हेलो दोस्तों आप सभी का मेरे डिफेंस चैनल पर स्वागत है डिफेंस रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो आज का वीडियो शुरू करते हैं तो आज के वीडियो में हम दो बड़ी न्यूज़ देखने वाले हैं पहली न्यूज़ इंडियन आर्मी को रिलेटेड है जो कि इसराइल से ड्रोन लीज पर लिया है हेर ऑन टी पी तो उसके रिलेटेड होने वाली है और दूसरी न्यूज़ ये है कि क्या इंडिया एफ प्रोग्राम जो चल रहा है फ्रांस और जर्मनी का उसमें हिस्सा लेगा या नहीं लेगा तो वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहली न्यूज़ ये है तो इंडियन आर्मी ने अभी रिसेंटली ही इसराइल से है, चार हेर ड्रोन है उसको लीज पे लिया है तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है क्योंकि हम किसी भी देश के हथियार को लीज पे लेके यूज़ कर सकते हैं तो ये टोटल चार नंबर में लिया है और ये ड्रोन रिकॉन्सेंस और सर्वेलेंस जैसे मिशन में इंडिया को बहुत हद तक हेल्प करने वाले हैं तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है क्योंकि हम किसी भी देश के हथियार को लेकर लीज पे लेकर यूज़ कर सकते हैं तो इंडिया ऐसे मतलब कि कई और भी हथियार है जैसे कि अवाक्स है टैंकर है जो एयर रिपेयर में काम आते हैं उसी को भी लीज लेने की सोच रहा है तो अब चलते हैं हम दूसरी खबर पे तो दूसरी खबर ये है कि जो यूरोप है उसमें सिक्स जनरेशन को लेकर दो ग्रुप पड़ चुके हैं तो उसमें सबसे पहले ब्रिटेन वाला ग्रुप टेम्पेस्ट बना रहा है और जो फ्रांस और जर्मनी वाला ग्रुप है वो एफ बना रहा है तो ये दोनों मतलब कि सिक्स जनरेशन फाइटर प्लेन बना तो लेगी पर उनको बेचने के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट तो चाहिए होगा तो इंडिया से बड़ा कोई मार्केट नहीं है अभी वर्ल्ड में हथियारों को एक्सपोर्ट को लेकर तो जो अपना फ़ाइटर प्लेन बना लेंगे इंडिया जो इन दोनों में से किसी भी ग्रुप में जॉइंट होता है तो उस ग्रुप को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा क्योंकि मतलब कि इंडिया है जो सौ या डेढ़ सौ फाइटर प्लेन तो आसानी से खरीद लेगा तो मतलब कि बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा एक्सपोर्ट को लेकर तो जो मतलब कि ब्रिटेन है उसने भी ऑफर कर दिया है टेमपेस्ट और जो जर्मनी और फ्रांस वाला ग्रुप है उस उन्होंने भी एफ में ज्वाइंट होने का इंडिया को बहुत ज़्यादा ऑफर किया है मतलब कि इंडिया को ऑफर दिया है कि आप हमारे ग्रुप में आ जाओ पर अभी इंडिया की ओर से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है कि, कि किस ग्रुप में ज्वाइन होने वाला है तो वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर चैनल को और लाइक ज़रूर करना